मान लीजिए यहां पर 3 पूर्णांक 2, 7 और 5 है। चलिए अब हम इनका समूह बदलकर इन्हें घटाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 और 7 का समूह बनाते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर ब्रैकेट 2 माइनस 7 माइनस 5। सबसे पहले 2 और 7 को घटाएंगे तो 2 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 5, और अब माइनस 5 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 10, और अब 2 माइनस अंडर ब्रैकेट 7 माइनस 5। चलिए अब हम पहले 7 माइनस 5 को घटाएंगे तो 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, और 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 और ज्यादा पूर्णांक के व्यकलन के दौरान समूह बदलने पर परिणाम भी बदल जाता, तो पूर्णांकों के लिए व्यकलन सहचारी नहीं होते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव, या इनमें सहचर्य गुण नहीं होता है, यानी कि दे डजंट हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब इन्हें घटाते हैं तो माइनस 7 माइनस 0 और 4 माइनस 0, तो माइनस 7 माइनस 0 इक्वल टू माइनस 7, और 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। हमें फिर से वही पूर्णांक मिल गया है। 0 पूर्णांक के व्यकलन के लिए तत्समक कहलाता है, इसलिए 0 व्यकलन के लिए तत्समक तत्व है। तो जब हम किसी पूर्णांक में से 0 को घटाते हैं, हमें वही संख्या स्वयं मिल जाती है, और यदि हम 1 को घटाते हैं तब क्या होता है? माइनस 5 माइनस 1 बराबर कितना होगा, और 2 माइनस 1 बराबर क्या? माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 6, और 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। हम क्या देखते हैं, किसी भी पूर्णांक में से 1 को घटाने पर परिणाम में हमें उस संख्या का पूर्ववर्ती यानी प्रेडेसेसर मिलता है, यानी कि उस संख्या के पहले वाली संख्या मिलती है। यहां पूर्णांकों को दर्शाने वाली इस संख्या रेखा पर देखिए, 2 का पूर्ववर्ती या प्रेडेसेसर 1 है, और माइनस 5 का पूर्ववर्ती या प्रेडेसेसर माइनस 6 है। तो हमने देखा कि किसी भी पूर्णांक में से 1 को घटाने पर परिणाम में उस पूर्णांक का पूर्ववर्ती या प्रेडेसेसर मिलता है, माइनस 7 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 8। चलिए आज हमने जो सीखा है उसे एक बार फिर से दोहराते हैं। 3 या अधिक पूर्णांकों को घटाते समय समूह बदलने से परिणाम भी बदल जाता है, यानी कि पूर्णांकों के लिए व्यकलन सहचारी नहीं होते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव, या इनमें सहचर्य गुण नहीं होता है, यानी कि दे डजंट हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसी भी संख्या में से 0 को घटाने पर परिणाम में वह पूर्णांक स्वयं मिलता है, 7 माइनस 0 इक्वल टू 7। किसी भी संख्या में से 1 को घटाने पर परिणाम में उस पूर्णांक का पूर्ववर्ती पूर्णांक मिलता है, माइनस 7 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 8। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।